के लिए मैं तुमको कुछ कॉमन एरियाज बता देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे सोल खेल रही है बार बार, वो कॉमन एरियाज हैं कुछ जिसके बारे में मैं तुमको ऑब्वियसली पता है, बट वापस से हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इतने जगह में सोल का जो ये बेसिक गेम प्ले है, मतलब जो उनका रोटेशन है, मतलब इस जगह पे जितने भी सर्कल बनते हैं, ठीक है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स, एक सेकेंड, ये 3 पॉइंट्स वाटर टाउन, ये वाला तो स्कूल वाला इलाका हमेशा कंफर्म है, हमेशा कंफर्म है कि यहाँ होना ही होना है, और तुम्हारा पोटैटो हिल, अकॉर्डिंग टू जोन वो लोग वहां पे जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेजर इलाके हैं उनके खेलने के। अब इस चीज को तुम वापस से देखो, सी सेम रोटेशन, ऑब्वियसली उसमें वो ज्यादा कंफर्टेबल हैं, इसलिए वो तरीके का रोटेशन कर रहे हैं, और जिस कंपाउंड की हमने बात करी थी, ठीक है, जिस कंपाउंड को हमने मार्क किया था, जिस कंपाउंड की हमने बात करी है, वाटर सिटी के किनारे वाला और वो रिजेस, ठीक है, हमने वो 1 महीने पहले बात करी थी और अभी भी सेम चीज़ है। ऑब्वियसली अगर टीम्स रीड करेंगी तो तुम ये सोचो कि कितना इजी है उनको एलिमिनेट करना, जब आपको पता हो कि हाँ इस पोजीशन पे ये टीम यहाँ पे होगी, ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं, ये पहला रीजन है जो मुझे लगता है कि सोल का जो गेम है वो थोड़ा सा लो हो रहा है, या फिर वो उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं जा पा रहे। पहले जब ये लोग ये किया करते थे तो ऑब्वियसली टीम को रोटेशंस एंड बाकी सारी चीज़ें या फिर उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, तो कोई भी टीम या फिर प्लेयर उस चीज़ को भाप नहीं सकता था, और कोई भी उस रोटेशन एंड बाकी सारी चीज़ों को नहीं काट सकता था, जो कि ऑब्वियस सी चीज़ है, नहीं कर सकते वो चीज़। बट जब अब टीम को पता है, जब अब प्लेयर को पता है कि हाँ इस टाइम पे ये वाली टीम कहाँ पे होने वाली है, तो 110% है कि वो लोग रोटेशन काट रहे होंगे या फिर उनसे पहले वो लोग वहां पे पहुंच जाते होंगे।